बीजेपी जो सत्ता में है अभी, कभी दीपक चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब आप बीजेपी या भाजपा बोलते ही आपके जहन में जो आकृति उभरेगी वो कमल की होगी। कमल के निशान के बनने के पीछे की कहानी आजादी से जुड़ी हुई है। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1991 में भारतीय जनसंघ, जो कि वर्तमान में भाजपा है, की स्थापना हुई थी और उसका चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और पार्टी का पहला सत्र मुंबई में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ को जनता पार्टी बनाने के लिए कई अन्य पार्टियों के साथ मिला दिया गया और तब इसका चुनाव चिन्ह हलदर किसान हो गया था। दरअसल सिपाही विद्रोह के बाद देश में जब अंग्रेजों का विरोध होने लगा तो विद्रोह के सिंबल के तौर पर कमल के फूल का इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में बीजेपी ने अपना लिया। इसके अपनाने के पीछे तर्क ये था कि सिपाही विद्रोहियों में से अधिकांश उच्च जाति के ब्रिटिश भारतीय, खासकर ब्राह्मण थे, जो जानवरों की खाल और उनके उत्पाद से बने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। बीजेपी के संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने इसे ब्रिटिश शासक के खिलाफ पहले भी इस्तेमाल किया था, जो कि राजनीतिक विचारधारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में दिखाता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।